रायबरेली में लोकसभा चुनावों की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रायबरेली का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस व भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिले से प्रधानमंत्री लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में गोलमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अपनी सफाई में उद्यान मंत्री ने सोनिया व प्रियंका को धोखेबाज बताया। साथ ही उनकी सरकार में हुए करोड़ों अरबों रुपए की टूजी, कोयले व जीजा घोटाले का आरोप। साथ ही विकास में भेदभाव पर कांग्रेस सांसद को ही कटघरे में खड़ा किया। दरअसल जन्माष्टमी के अवसर पर कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आयोजित झांकी कार्यक्रम में शिरकत करने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों का वीडियो उद्यान मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर डालने के बाद दोनों दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार द्वारा रसोई गैस में 200 रुपए की कमी पर कहा कि ये चुनावी फंडा है। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जनता को बरगलाया जा रहा है। वैसे सवाल तो उनसे बनता है जिनके कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी, क्योंकि उनकी सांसद यहाँ से, उनकी पार्टी के नेता यहाँ से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में अकेले रायबरेली से उनकी सांसद हैं, तो सवाल उनके ऊपर बनता है। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी हों, चाहे सांसद के लिए वोट मांगने वाली उनकी बेटी प्रियंका गांधी हो, दोनों लोगों ने रायबरेली के लोगों के साथ जो धोखा और छल किया है उसका परिणाम था उनके कार्यक्रम में लोगों का ना आना। ऐसा मैं महसूस करता हूँ, मतदाताओं में निराशा है पूरे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।